नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। गोंडा जनपद के थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज के एल परसोली में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा। नाव में सवार लगभग 28 लोग डूब गए। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएम एसपी समेत पुलिस बल स्वास्थ्य विभाग में गोताखोर पहुंच गए। गोताखोरों द्वारा निकाले गए व्यक्तियों का इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नोएडा अधिकारियों ने विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत इस्माइलपुर में पहुंचकर विकास परक एवं लाभार्थियों पर योजना का किया भौतिक सत्यापन। जनपद के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजशेखर ने विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत इस्माइलपुर के माजरा सराय हर्रा में चौपाल लगाकर गांव के कराए गए विकास कार्य और लाभार्थियों पर योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया। खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव के, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव बीना कुमारी मीना ने सरकार के निर्देश पर 28 बिंदुओं पर विकास कार्य सहित कई कामों का बारीकी से निरीक्षण करने आए नोडल अधिकारी मुख्य सचिव अशोक निरीक्षण से उन्नाव जनपद के अधिकारी व कर्मचारियों की सांसें हलक में लटकी हुई है। वहीं अधिकारियों को डर सता रहा है कि कहां जाकर निरीक्षण करेंगे अधिकारी। खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव के, जहां पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि गडनखेड़ा बाईपास से कुछ पहले ही एक खंडर पड़े मकान में कुछ संदिग्ध लोग मोटरसाइकिल के साथ मौजूद है। वहीं पुलिस ने छापे मारकर कार्रवाई की तो 3 युवक 6 मोटरसाइकिल के साथ दिखे, जिसमें से 2 युवक रात का अंधेरे का फायदा उठाकर भागने के लिए पुलिस ने 1 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये एसपी सर द्वारा चलाए गए अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत उन्नाव पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें कोतवाली पुलिस और हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम मिलकर एक अच्छे गैंग को वर्कआउट किया है, जिसमें 6 गाड़ियां बरामद हुई है, 1 अभी गिरफ्तार हुआ है और ये 2 इसके साथी भी फरार चल रहे हैं। ये पूछताछ पता लगा है कि ये लोग ऑन डिमांड गाड़ियों की सप्लाई करते थे, चोरी करते थे और उसको बेच देते थे। ये इनके सूत्र नेपाल तक जुड़े हुए हैं, नेपाल तक गाड़ियाँ बेचते थे, अन्य जनपदों में बेचते थे। इसमें गंभीरता से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करके अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नवाबगंज की बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले भी इनके ऊपर कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है? 1 मुकदमा है इसके ऊपर नवाबगंज जनपद कानपुर में चोरी का, वाहन चोरी का पंजीकृत। यूपी में होने जा रहे शिक्षक संघ के एमएलसी चुनाव के सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा के मेरठ सहनपुर सीट से घोषित शिक्षक संघ एमएलसी प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा ने जहांगीराबाद क्षेत्र के कॉलेज पर हालात स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर बीके स्कूल समेत 1 दर्जन स्कूल व कॉलेज में पहुंचकर और शिक्षकों के साथ बैठकर अपने लिए समर्थन मांगा। शर्मा एमएलसी शिक्षक के लिए जो प्रत्याशी हैं उनका आना हुआ, सभी लोगों के साथ उन्होंने अपना प्रचार किया, सबके साथ बैठे अपनी बात रखी और जो वित्तहीन शिक्षक हैं उनको वित्तहीन यानी कि हीन भाव उनके अंदर पैदा हो, एक अच्छा भाव उनके अंदर जगे, समाज सेवा का भाव जगे, इस नाते से पार्टी ने भी उनको राजनीति के क्षेत्र में उतारा है। यही उनका उद्देश्य भी रहा, समूह के साथ बैठ के वो अपनी बात रखी। कितने शिक्षक भाग लेंगे आज? लगभग 90 शिक्षकों ने इसमें भाग लिया। क्या तैयारी चल रही है आपकी चुनाव की? हमारा टीचर्स एमएलसी का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं श्रीचंद शर्मा नाम हूँ, गौतम बुद्धनगर जिले का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, भाजपा का पश्चिम उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और प्रदेश में अपना प्रशिक्षण प्रकल्प है उसका प्रदेश संयोजक हूँ। तो पार्टी ने मुझे एक काम सौंपा कि हम अध्यापकों के बीच में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी विश्वास जीतेंगे, उनके साथ उनकी समस्याओं से जुड़कर उनको उनकी समस्याओं का हल करने का काम करेंगे। इसलिए हमें प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, विद्यालय विद्यालय संपर्क कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम, कल भी हम 19 विद्यालयों में गए थे और आज भी हम 18 विद्यालयों में बैठे हैं और अभी एक कार्यक्रम। कितना समर्थन मिल रहा आपको? पर्याप्त समर्थन मिल रहा है, बहुत बड़ी संख्या। पिछली बार का चुनाव 25,000 वोट पर हुआ था, इस बार लगभग 40,000 वोट पर चुनाव होने जा रहा है और निजी क्षेत्र के विद्यालयों का बहुत बड़ा समर्थन है और जो एडिड कॉलेज है उनमें भी बहुत बड़ा समर्थन है। हमारे जिले में हमें मिला है बुलंदशहर में और बहुत अच्छी संख्या में लोगों का विश्वास प्राप्त हो रहा है।